चलो दोस्त, आज की इस वीडियो का शुरुआत बहुत ही कमाल की चीज से करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले विजुअल्स। इसको देखने के बाद भरोसा हो रहा है ये भोजपुरी गाना है? अरे नहीं भरोसा हो रहा है तो लिरिक्स सुन लो ना, ये रहा लिरिक्स। बस यही चाहिए न्यू जनरेशन के भोजपुरी ऑडियंस को, जिसमें एकदम वीडियो क्वालिटी इस तरीके का हो, गाने का भी लिरिक्स जो हो वो बिल्कुल असली नहीं हो, और रिस्पांस देखो, लोगों का प्यार देखो, कितना ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस गाने को। बस बस बस, किसी की बुरी नजर ना लगे हमारे भोजपुरी को, और ऐसे ऐसे कलाकार ही आके भोजपुरी का खूब नाम रोशन करें और भोजपुरी के सब सुपरस्टार इस तरीके का ही बड़ा बड़ा गाना बनाए। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं पप्पू यादव के समर्थक के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर, और ये चीज देख के सुबह सुबह सभी लोगों का मूड एकदम अपसेट हो गया। होता यह है कि पप्पू यादव के पिताजी का तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गया, जिसके लिए उनको पटना एम्स में एडमिट कराया गया था, और आज सुबह सुबह खबर मिला ये कि अब पप्पू यादव के पिता इस दुनिया में नहीं रहे। फोटो देखने से पता चलता है पप्पू यादव एकदम टूट गए थे, लेकिन पप्पू यादव को यहाँ स्ट्रांग होना होगा और वो समझना होगा कि उस पिता ने बिहार में एक ऐसा बेटा जन्म दिया है जो पूरे बिहार के राजनीति को हिला के रख दिया है, और आज जनता का सबसे पसंदीदा नेता बन गया है, जो निर्दलीय चुनाव जीत के पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजवा लेता है। खैर, इससे ज्यादा खुशी का बात एक पिता के लिए क्या होगा, भले आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे उनको एकदम गर्व महसूस हो रहा होगा कि मेरा बेटा पप्पू यादव है। मेरे तरफ से पप्पू यादव जी के पिताजी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको अपनी चरणों में स्थान दे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं जमीन सर्वे के बारे में, और आपका दूर करते हैं सबसे भयानक वाला टेंशन, और वो टेंशन है कि आखिर जमीन सर्वे का अंतिम तिथि कब है, सारा काम धंधा छोड़ के आज ही जाना है कि कुछ दिन इंतजार करके आराम से जा सकते हैं। यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में था, जिस पे सरकार ने यह फैसला सुनाते हुए बताया है कि जमीन सर्वे का कोई डेडलाइन नहीं है, जब चाहे तब आप आके जमीन सर्वे करा सकते हैं। हां हां, एकदम उस तरीके से ही कैसे आधार कार्ड बन रहा था लोगों का और उसमें सुधार करवाना था, तो अब कैसे है कि जब तक मन करे तब तक सुधार करवाइए, उस तरीके से ही जमीन सर्वे का अभी भी फिलहाल कोई डेडलाइन नहीं है, जब चाहे तब सर्वे करवा सकते हैं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा के बारे में, जिनको आस्था है पूरे दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से लोग विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं। लेकिन गुरु, ये बिहार है, और हम अपने वीडियो में कहते हैं ना कि बिहार के लोग हमेशा प्रो मैक्स करते हैं, और ये प्रो मैक्स हुआ है पटना में। विश्वकर्मा पूजा के दौरान पटना के वेद विद्यालय में इस तरीके से विश्वकर्मा पूजा मन रहा था। हाँ, रीजन सुनिएगा तो माथा पकड़ लीजिए कि है का रीजन हुआ भाई। देखो, आज है नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, सौभाग्य से विश्वकर्मा पूजा भी है, तो दोनों को कोलैब करते हैं और पूजा कर देते हैं, मन जाएगा बढ़िया वाला विश्वकर्मा पूजा, और इसलिए पटना में इस तरीके से विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह से जुड़े एक सीरियस चीज के बारे में, जिसको सुनने के बाद पूरा हिंदुस्तान शॉक्ड हो गया। जहां जहां पवन सिंह के फैंस हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये अन्याय हो रहा है और इस तरीके से पवन सिंह को नहीं करना चाहिए। और आप इस चीज को देखिए, सबसे पहली पत्नी जो है वो ये है पवन सिंह की, दूसरी प्रेजेंट पत्नी ज्योति सिंह है, और तीसरा अभी तक कोई शादी जो है वो पवन सिंह नहीं किए थे, लेकिन अब अपडेट इज दैट कि पवन सिंह बहुत जल्द तीसरा शादी करने वाले हैं, और इसका हिंट्स भी दिए थे। इतना लोग इंटरेस्टेड है आपकी जिंदगी में कि छोटा पवन कब आएगा, छोटा स्टार कब आएगा? वेट करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपका ये बेटा और आपका ये भाई चाचा जरूर बने। चलो, ये तो हिंट्स था, लेकिन एक्चुअल में ये मामला कहां से उठा तीसरा शादी वाला, तो हम आपको बता दें, आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो दिख रही है वो है बबीता मिश्रा। पहली बार ये ज्योति सिंह इन्हीं के चैनल पे इंटरव्यू दी थी, इनके पापा भी बबीता मिश्रा से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, और आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रिश्ता, एकदम परिवार जैसा जो है वो ज्योति सिंह के फैमिली से है बबीता मिश्रा का, और इसलिए ये कुछ बोलती है तो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। सबसे पहले तो ये एक स्टोरी डालती है जिसमें ये बताती है कि पवन सिंह तीसरा शादी करने वाले हैं, और इंटरव्यू में भी इस बात को बताती है बबीता मिश्रा कि बताइए, जब आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन था, उस समय ज्योति सिंह को जब पवन सिंह अपनाए थे तो कितना ज्यादा ज्योति सिंह खुश हो गई थी, और पत्नी धर्म का एकदम अच्छे से निर्वहन कर रही थी, जिसमें वो पवन सिंह के पूरे देह में मालिश करती थी, खाना बना के देती थी, झोली फैला के वोट मांगती थी, और क्या क्या नहीं की वो बेचारी लड़की पवन सिंह के लिए, और आज पवन सिंह फिर से उनको धोखा दे रहे हैं और तीसरी शादी करने जा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि पवन सिंह तीसरी शादी नहीं कर रहे हैं तो किसी तरीके से हिंट्स दे दें, हिंट्स में अपने पत्नी के साथ एक फोटो ही अपलोड कर दें, स्टोरी ही लगा दें, या फिर ये पोस्ट करके बता दें कि पवन सिंह जो हैं वो तीसरी शादी नहीं कर रहे हैं, और ये सच में बहुत बड़ा आरोप लगा दी है बबीता मिश्रा पवन सिंह पे।
दोस्तों इस चीज का हिंट्स जो है वो ज्योति सिंह ने भी दी थी। पहले वीडियो में हमने कवर करके बताया था कि देखिए किस तरीके से ज्योति सिंह पोस्ट डाली थी, और इतना ही नहीं ज्योति सिंह एक एटीट्यूड वाला ही पोस्ट डालती है कि देखो हम और की तरह नहीं है, हम सफा सज देंगे। खैर होप सो ये सारा चीज जो तीसरा शादी वाला हो वो फेक हो, नहीं तो ज्योति सिंह का जीवन बर्बाद हो जाएगा और ये पवन सिंह अन्याय करेंगे। और सच में तीसरा शादी अगर पवन सिंह करेंगे तो ये पवन सिंह को पाप लगेगा। चलिए दोस्त अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के नए गाने के बारे में। भाई साहब क्या ही खराब रिस्पॉन्स मिल रहा है यार, आप खुद देख लो इस गाने को, टीजर को लेकर इतना ज्यादा हाइप बनाया गया, यूट्यूबर्स लोग इतना ज्यादा हाइप बनाए, खेसारी लाल यादव इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे थे इंटरव्यू दे दे के। इतना ही नहीं इसमें एक्ट्रेस रानी को ही रखा गया जो पहले से बहुत ज्यादा फेमस है, बावजूद इसके इस गाने पे एक घंटा में मात्र 50,000 व्यूज आ रहा है, जो सुपरस्टार एक घंटा में मिलियन ला देते थे। देखिए दोस्त आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हैं और इस वाले गाने को नहीं सुने हैं तो आप लोग जाके इस गाने को सुनिए। देखिए कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, लेकिन किसी भी सुपरस्टार का इतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, और इस तरीके से कोई सुपरस्टार डूब रहा है तो आप लोग जाके जरूर सपोर्ट कीजिए और इस गाने पे भर भर के व्यूज दीजिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी अलग चीज है और स्टारडम का इस तरीके से ध्वस्त हो जाना अलग चीज है, तो आप जाके सपोर्ट प्लीज कर दीजिएगा। चलो दोस्त अब बात करते हैं नेहा सिंह पगली के बारे में। इनका गाना जो है यूट्यूब पर रिलीज किया गया था और इस पे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन कोई नासपीटा बेहुदा उस गाने को फेक स्ट्राइक मार के डिलीट कर दिया, और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बीआईबी विजेंद्र सिंह फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा मेहनत करके इस वाले गाने को रिलीज की थी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन वो गाना आएगा नहीं आएगा क्या होगा उसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इसको दोबारा से अपलोड जो है वो कर दिया गया है बीआईबी विजेंद्र सिंह के आकांक्षा म्यूजिक वाले चैनल पे, और वो गाना कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं बिहार के ट्रेन में एक महिला का ऐसा हरकत जिसको देखने के बाद लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे महिलाओं को ऐसा ही उपाय होना चाहिए, और लास्ट में इस महिला का उपाय हुआ भी, लेकिन क्या हुआ वो हम आपको समझा देते हैं। एसी सेकेंड क्लास बोगी में एक महिला जो है वो बिना टिकट कराए हुए जाके बैठ जाती है, और जब सीट पे जिसका ओरिजिनली सीट रहता है वो जब उस बोगी में पहुंचता है अपनी सीट पे, तो देखिए किस तरीके से महिला लड़ाई करती है। टिकट की बात बिना टिकट है आप जो है इस तरह नहीं बोल सकती हैं, पूरे उसके सारे पैसेंजर्स को आप डिस्टर्ब कर रही हैं। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रही हैं, ये लोग डिस्टर्ब नहीं नहीं ये लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तमाशा बना लिया है, इनका भी बनाइए वीडियो भाई, हीरो उनका भी तो बना लिए, उनका भी बना लिए, हीरो नहीं है वो, सही बात कह रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है आप क्या तरीके से बोल रहे हैं। रात का समय है, जिसका सीट है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि भाई साहब ये कैसी महिला है यार, हट क्यों नहीं रही है, और फिर टीटी आता है और टीटी के साथ भी बकझक शुरू। यूनिफॉर्म में है, हम लीगल है फील्ड में, इसीलिए है, और आप लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो समझ में आता है, ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, आएगा नहीं समझ, आप ऑन ड्यूटी है, आप ऑन ड्यूटी है, न रहिए। लेकिन ना इस कहानी में ट्विस्ट है, टीटी साहब ने इस तरीके का कमाल का हरकत किया जिसको देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान के दिलों में सुकून मिल गया, जितने लोग इस वाले वीडियो को देखे थे, और टीटी ने बुलाया आरपीएफ को, आरपीएफ में महिला आरपीएफ आई और घसीट के ट्रेन में से बीच स्टेशन पे जहां उनका डेस्टिनेशन भी नहीं था वहां से उतार दिया गया, और उतारने के बाद हरकतें देखो। महिला पुलिस ने इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, अभी ऑन ड्यूटी कर्मचारी के ऊपर लड़की के पीछे लगा रहता है, लड़की के साथ मुंह मारने के लिए। बस बस ऐसी ऐसी महिला जो है वो राज्य का नाम खराब कर देती है और किसी इंसान के ट्रेन के एक्सपीरियंस को गंदा कर देती है। खैर आरपीएफ ने बहुत सही काम किया और इन पे एफआईआर भी कर दिया गया है, उम्मीद है दोबारा किसी के सीट पे नहीं बैठेंगे बिना टिकट के। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं बिहार का चूहा, और यहाँ का चूहा गजबे चूहा है, करोड़ों का दारू पी जाता है, करोड़ों का नहर कुतर देता है, और अब तो 14 करोड़ का मशीने खा गया। 2 साल पहले का बात है, नीतीश कुमार पीएमसीएच में हृदय रोगियों के लिए कैथ लैब मशीन जो है वो 14 करोड़ रुपया का लगवाए थे, उसका उद्घाटन किए थे, और लगा था उनको कि हाँ अब जो है वो हृदय रोगियों को बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा इस मशीन से, क्योंकि बहुत भयानक और बहुत महंगा मशीन है और इसके लिए विदेश जाके लोगों को इलाज करवाना पड़ता था, अब उस सुविधा बिहार में दे दिए। लेकिन यहाँ का गजबे चूहा सब न है आया और मैंने तारे काट दिया, 14 करोड़ का मशीन खराब, लोग भटक रहा है कि अब हम कहां जाके इलाज करवाएं। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं मुकेश अंबानी और उनके बेटे का नोकझोंक जो बीच पब्लिक में शुरू हो गया कैमरा के सामने। प्लीज डोंट कम
सही बात है, कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी दुनिया में नाम कर लीजिए, औलाद के सामने जो है वो एक बाप बाप ही होता है, और जहां सवाल नोक झोंक आएगा कहीं रगड़ देगा। चलो दोस्त, अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। क्या ये पूरे बिहार से बड़ा वाला झूठ बोल दिए? देखो अभी अभी इनका इंटरव्यू खत्म हुआ है, जिसमें ये बता रहे थे कि हैं हमको नवा फेल कहता है, हम तो विराट कोहली को अपने कप्तानसी में खिलाए हुए हैं, और अंग्रेजी में वहाँ बोलते थे। और इस चीज़ को लेकर जब रिसर्च शुरू हुआ तो पता चला भाई यहाँ तक गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखो बात क्या, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें तेजस्वी यादव के टेस्ट मैच के बारे में, तो मात्र एक टेस्ट मैच खेले थे जिसमें वो कैप्टन नहीं थे। बात करें दूसरे वाले सेगमेंट का जिसको कहा जाता है वनडे, वो दो वनडे खेले हैं जिसमें भी वो कैप्टन नहीं थे। और बात करें आईपीएल का, तो तेजस्वी यादव जी जो हैं वो दिल्ली से खेलते थे, विराट कोहली जी जो हैं वो आरसीबी से खेलते थे, तो इसमें भी कोई कैप्टन वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं है। और कोई ऐसे मैच का प्रमाण सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है जिसमें यह पता चलता हो कि विराट कोहली जो है वो तेजस्वी यादव के कैप्टेंसी में खेले हुए हैं। खैर मेरे रिसर्च में तो हमने इतना ही पाया, आपके रिसर्च में अगर इससे अलावा कुछ चीज हो तो आप हमको जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा, कल के वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। लेकिन हाँ, एकदम लॉजिकल और फैक्ट के साथ बताइएगा तभी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का तगड़ा वाला वायरल वीडियो। पांच मिनट